सो आज है 24 दिसंबर और फिलहाल अभी हूँ मैं अपने घर में। आज का जो प्लान है वो हमारा एक छोटी सी ट्रिप का प्लान है जिसकी ऑलमोस्ट प्रेपरेशन हो चुकी है। प्लान तो है कि हम 12 बजे घर से निकल जाएंगे, एज यूजुअल 11 बज चुके हैं और मैं अब तक तैयार नहीं हुआ हूँ। जब तक मैं तैयार होता हूँ तब तक आप देखिए कि मैं अपने साथ क्या क्या सामान मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ। प्लीज हैव अ लुक। अब हम घर से निकल चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो हमारा मीटिंग पॉइंट है वो रहेगा चड़वाल। चड़वाल को ही हम जा रहे हैं, किसी से मिलाते हैं हम आपको। कोई आ रहा था मुझे पिक करने जो कि आधा घंटा लेट आया है। मिल लो जरा। सर क्या विचार है आपके? विचार कहाँ रह गए थे? मैं एक्चुअली थोड़ा सा लेट हो गया घर वालों की वजह से हमारा। नहीं नहीं, ये लेट नहीं हो गया, ये बताऊंगा आपको। और चले फिर? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं आप नहीं, आप भी चलो ना। नहीं मैं जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकते? मेरी कहीं मीटिंग है आज। चल समझ लो मीटिंग कौन सी है, समझ रहे हो ना? वही वाली ना। हाँ बिल्कुल। अच्छा तो बात ये है कि इन्होंने भी जाना था बट ड्यू टू सम रीजंस ये नहीं जा सकते। एक्चुअली एक तो इनकी जो छुट्टी है वो ख़त्म होने वाली है, जब तक हम वापस आएंगे तब तक मे भी इनकी छुट्टी क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो इसलिए जा नहीं सकते। एक्चुअली 2 दिन में हम वापस आएंगे, फिर आके क्या क्या करेगा? पैकिंग करेगा, अपनी जाने की तैयारी करेगा। पैकिंग में भी तो टाइम जाता भाई। देखते हैं, चड़वाल पहुँच के आपसे मिलता हूँ। फाइनली चड़वाल से हम निकल चुके हैं। मिलाता हूँ आपको एक नए बंदे के साथ जिसे आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो में देखने वाले हैं। भैया क्या हाल है आपके? बढ़िया। और गुप्ता कैसा है? ठीक हो? बढ़िया बढ़िया। तो क्या प्लान है फिर आज का? प्लान अभी घर से निकल चुके हैं हम फाइनली, तो अब डिसाइड हम सोच रहे हैं कि बॉर्डर पे जाकर डिसाइड करें। मेन हमारा बॉर्डर बता दें कि जिसे हम लखनपुर को हम बॉर्डर बोलते हैं, तो बस वहीं पे पहुंच के हम डिसाइड करेंगे कि आगे कहां जा रहे हैं हम आगे। बाकी आपको छोटा भाई देविंदर करेगा एक्सप्लेन, तो हम ड्राइव कर लें, तो ये करते हैं एक्सप्लेन। ओके, अब हम जा रहे हैं चड़वाल से, हम निकल चुके हैं, पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में, हम लखनपुर पहुंचने वाले हैं। बेसिकली हमने ये पल्ली मोड़ क्रॉस कर लिया अपना। लखनपुर पहुंच के हम डिसाइड करेंगे कि भैया जाना कहाँ पे है। यहाँ पे भी जाएंगे आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। एंड आई होप, हाँ पिछली वीडियो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना उस चैनल को, वो वीडियो पब्लिश हो चुकी है। एंड और क्या था? और यही था। लखनपुर क्रॉस कर चुके हैं। और भैया ये कौन सी जगह आई अभी? ये है भाई शापरकंडी। सो डेस्टिनेशन जो हमने फाइनल की है वो डेस्टिनेशन का क्या नाम है भैया, बताओगे? आप ही बताओ, इधर देख के बताओ जरा। पहले आप ड्राइव कर लो। नहीं डर लगता भाई, डर लगता है, कानों का हाथ बहुत बार लगे होंगे। ना, पहले चला लो, आप आराम से चला लो। तो हम डलहौजी जाएंगे। डलहौजी से पहले एक और लोकेशन है, क्या नाम है उस लोकेशन का? बनी खेत। तो प्लान ये है कि पहले बनीखेत रुकेंगे, बनीखेत रुकने के बाद हम चाहेंगे डलहौजी जाएंगे। सो फार सो गुड, अब तक की जर्नी जो है जितना भी हमने ट्रैवल किया काफ़ी अच्छा रहा है। बीच में एक दो जगह ब्रेक भी ली थी, अनफॉर्चुनेटली वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका, लेकिन बट इसके बाद मैं प्रॉपरली ट्राई करूंगा कि मैं यहाँ पे भी अगर कोई ब्रेक लेता हूँ, कहीं पे रुकता हूँ, अगर कहीं पे हम कुछ खाते पीते हैं, तो मैं अपनी तरफ से पूरी रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा और ट्राई करूंगा कि आपको एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। ठीक है, जा रहे हैं हम। थोड़ा सा आपको रोड का व्यू देता हूँ, आप रोड इंजॉय करिए तब तक, और मैं आपसे मिलता हूँ वहाँ पहुँचने के बाद। टाइम हो गया अब कोई 3:10 है, कब तक पहुँचेंगे हम? 5:30 बजे तक। हाँ तो अब टाइम हो रहा है लगभग 10 मिनट हैं 3:00 को, मतलब 5 बजे तक पहुँच जाएंगे। हाँ तो 5 बजे तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है।
60 कोई रह गया, 74 किलोमीटर रह गया है। और भाई व्यू देखो, काफी टाइम आए हम पहले भी यहाँ पे, लेकिन ब्लॉगिंग एक्सपीरियंस भाई हम फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने यहाँ पे कोई भी ब्लॉग नहीं किया था। और काफी अच्छा रोड है, बिजी भी नहीं है तो ना इतनी ट्रैफिक है। शापरकंडी की मार्केट है, काफी डिसेंट सी मार्केट है, ना ज्यादा ट्रैफिक है, मतलब काफी ऐसे अपना जो होम टाउन वाली फीलिंग आ रही है फिलहाल तो। तो ये थी कुछ शापरकंडी की मार्केट थी। अब हम देखते हैं, जैसे वहाँ पे पहुँचते हैं तो आपको वहाँ का व्यू दिखाते हैं। और होटल बुक हो गया हमारे जी, और होटल्स भी बुक हो गए हैं। बाकी जितना भी काम था हमारा वहाँ का वो ऑलमोस्ट हमने ख़त्म कर लिया है। काम क्या था, होटल्स ही बुक करने थे, तो बाकी डिनर ब्रेकफास्ट या लंच जो भी होगा वो वहीं पे मिलेगा हमें। सो देखते हैं वहाँ। अच्छा वो उसी में बुक किया था, तो क्या प्राइस पड़ता होटल का? अच्छा अच्छा 15-16। तो दो रूम्स हमने बुक किए थे, क्योंकि हमारे दो फ्रेंड्स और भी हैं जो ऑलरेडी वहाँ के लिए निकल चुके हैं, आधा रास्ता उन्होंने तय कर लिया है, हमारे ख्याल से वो वहाँ पे पहुँचने वाले होंगे। ठीक है, तो दो रूम्स लगभग हमें कोई 16,000 के करीब पड़े थे। ठीक है, तो जिनमें हमारा लंच ब्रेकफास्ट डिनर तीनों चीज़ें इंक्लूडेड है बीच में। सो अब वहाँ पर जाके हम आपको वहाँ की लोकेशन दिखाएंगे कि क्या लोकेशन है वहाँ पर और कैसा हमें फील हुआ जाके। ठीक है, ओके देन, मिलते हैं आपको वहाँ जाके, बाय बाय। अच्छा एक और चीज़ ये देखिए भाई, ये देखिए, ये है हमारा यहाँ का कौन सा कॉलेज है, ये तवी कॉलेज है। ये जो मैंने आपको कॉलेज की लोकेशन दिखाया, सीरियसली ये लोकेशन इतनी प्यारी और इतनी अच्छी लोकेशन है ना, मतलब पहाड़ों के बीचों बीच बनाया हुआ है, तो लोकेशन बहुत प्यारी लगी। जब मैंने फर्स्ट टाइम ये कॉलेज देखा था ना, तो सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। बट उस टाइम मैंने GDC कठुआ में एडमिशन ले ली थी, तब मैं बोलता भाई यहाँ एडमिशन लेनी चाहिए थी, क्योंकि ये मुझे लोकेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। इनफैक्ट है ही देखने लायक लोकेशन है। चलो ठीक है, अब हम आपको वहाँ जाके मिलते हैं। भैया कैसा लग रहा है? फाइन, मजा आ रहा है भैया आपको? टॉप, फुल मजा भाई। भाई वहां से भी व्यू ले लो, क्या बात है। फाइनली फाइनली, शुक्र है भगवान, सेफ एंड साउंड हम अपने रूम में आ गए हैं। अच्छा तो बात कुछ ऐसी हुई थी कि रिकॉर्ड करने का हमें याद ही नहीं रहा क्योंकि हम इंजॉय करने में बिजी हो गए थे जी। तो बिल्कुल इतने बिजी हो गए कि रिकॉर्ड करने का टाइम ही नहीं मिला। हाँ, तो होटल का जो भी मेन व्यू है, होटल कहाँ पे है, होटल कैसा है, क्या क्या है इस होटल में, वो हम आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में, जो उसका एपिसोड सेकंड आएगा, वो हम उसमें डाल देंगे। फिलहाल के लिए जिस रूम में हम स्टे कर रहे हैं, आप फिलहाल उसको देखिए आप। ठीक है, उसके कुछ क्लिप्स, कुछ सिनेमेटिक्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं, वो मैं इसके बाद डाल रहा हूँ, फिलहाल आप वो देखिए। एंड वी आर रियली सॉरी, क्योंकि हम इंजॉय करने में थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गए थे, ज़्यादा हम रिकॉर्ड कर नहीं पाए। एंड डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, तक और हम बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए ला सकें, जितना हमसे हो पाएगा हम करेंगे। सो इस वीडियो का सेकेंड पार्ट आएगा वो कुछ दिनों बाद आएगा, फिलहाल आप हमारे रूम के सिनेमेटिक इंजॉय कीजिए। ठीक है, आई होप कि आपने हमारे सिनेमैटिक्स देख लिए होंगे। ठीक है, इससे पहले जो हमने कुछ सिनेमैटिक्स डाले थे, हम उम्मीद करते हैं कि आपने वो देख लिए होंगे और आपको पसंद आए होंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि एक्चुअली टाइम काफ़ी हो चुका है, सुबह हमने 6 बजे यहाँ डलहौजी के लिए निकलना है यहाँ से।
सो थोड़ा बहुत सोना भी जरूरी है। सोना क्या एक्चुअली अभी एडिटिंग भी हमारी पेंडिंग है, अभी मैं एडिटिंग करूँगा एक दो घंटा लगा के। एडिटिंग करने के बाद थोड़ा सा हम नैप लेंगे एंड सुबह 6 बजे यहाँ से निकलने का प्लान है हमारा डलहौजी। 6 बजे निकलेंगे ना? 6 बजे डन। तो 6 बजे हम यहाँ से डलहौजी के लिए निकलेंगे। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें इस कोविड के काल में। थैंक यू, ओके।